शेख हसीना को पनाह देने के बाद भारत बांग्लादेश की पुरानी दोस्ती में दरार तो पहले ही पड़ चुकी है, लेकिन अब बांग्लादेश ने भारत से साफ शब्दों में ये भी कह दिया कि हमारे मामलों में दखल न दें। और इस बीच दो पुराने दोस्तों की इस तलखी का फायदा चीन, पाकिस्तान, यहां तक कि अमेरिका भी उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अब बांग्लादेश भारत को लौट आएगा भारत की जमीन। जानिए कैसे होगा ये सब और कैसे दूसरे देश बांग्लादेश की नई केयरटेकर सरकार को लुभा रहे हैं, और तख्ता पलट के बाद भारत के लिए क्यों बिगड़ते जा रहे हैं पुराने दोस्त से संबंध, जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल दशकों से भारत में रह रहे शरणार्थी हिंदुओं ने भारत से नागरिकता देने की अपील की है। बांग्लादेश से आकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बसे हिंदू शरणार्थियों की आबादी लगभग 50,000 हो गई है, और नक्सल प्रभावित इलाके में इन लोगों के लिए गुजारा करना बड़ी चुनौती रही है। ये लोग सालों से सड़क, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं। यहाँ लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और जमीन का मालिकाना हक, बंगाली माध्यम में शिक्षा का अधिकार, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण और नागरिकता के अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गौरतलब है कि CAA लागू होने के बाद इन लोगों के लिए नागरिकता हासिल करना और भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, बांग्लादेश के हिंदू भारत को अपनी मां मानते हैं, और यही वजह है कि वे महाराष्ट्र आए, लेकिन अब उन्हें इस बात पर आश्चर्य है कि उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, जबकि उनके पास जमीन का मालिकाना हक, जाति प्रमाण पत्र या नागरिकता नहीं है, और वे बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम CAA की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन CAA का फैसला गलत था। वही जो बांग्लादेश अपने यहां पर हालात ठीक नहीं कर पा रहा, वो अब भारत से मदद मांगने की जगह दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, और इसका फायदा उठाते हुए दूसरे देश भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते खराब करना चाह रहे हैं। दरअसल बीते दिनों बांग्लादेश को विकास संबंधी परियोजनाओं, युवाओं को सशक्त बनाने, लोकतंत्र को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और देश में लोगों के लिए व्यापार एवं आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने करीब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का वादा किया है, और बांग्लादेश अमेरिका के बीच द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ग्रांट एग्रीमेंट के 6ठे संशोधन पर हस्ताक्षर हुए। बताया जा रहा है कि इस समझौते के तहत USAID सुशासन, सामाजिक, मानवीय और आर्थिक क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश को 20.22 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान करेगा। और जो बड़ी खबर भारत और बांग्लादेश को लेकर आ रही है, उसके मुताबिक भारत के सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें यह तय हुआ कि 200 एकड़ भूमि बांग्लादेश को लौटाई जाएगी, जो नदी के कटाव के कारण भारत में चली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक PGB और BSF के सीनियर अधिकारियों के बीच रविवार को मीटिंग हुई, जिसमें विवादित भूमि का फिर से सर्वे करने और इसे सही मालिकों को लौटाने का संयुक्त निर्णय लिया गया। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, यह विवादित भूमि दौलतपुर उपजिला में रामकृष्णपुर संघ के 40 पारा क्षेत्र में मौजूद है, जो पद्मा नदी के मार्ग में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विवाद में रही है, और इसने 3 किलोमीटर के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्तंभों को अव्यवस्थित कर दिया। इसको लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल एम महबूब मुर्शेद रहमान ने बताया कि गत 10 फरवरी को सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि लगभग 200 एकदियाच बांग्लादेश की भूमि भारतीय क्षेत्र में और करीब 40 एकदियाच भारतीय भूमि बांग्लादेश क्षेत्र में चली गई है। दोनों देश अब अक्टूबर में आधिकारिक रूप से सीमाओं को सही करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां विवादित भूमि का फिर से सर्वे करने और उसे उसके वास्तविक मालिकों को लौटाने पर सहमति बनी है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बांग्लादेश के जिस रूपपुर परमाणु ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन होना था, अब उसके उद्घाटन पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं।
दरअसल इस परमाणु ऊर्जा प्लांट के लिए पद्मा और जमुना नदियों के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य अवामी लीग के सत्ता से बाहर होने के साथ ही रुका हुआ है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के साथ ही इस ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कर रही भारतीय कंपनी ने साइट छोड़ दी है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिदुल हसन के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन के बिना $12.65 बिलियन के इस प्लांट का चालू होना अब संभव नहीं है। यहां पर पावर ग्रिड कंपनी बांग्लादेश के अनुसार देश के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट से राष्ट्रीय ग्रिड तक पावर ट्रांसमिशन के लिए पद्मा और जमुना दोनों में 16 किलोमीटर नदी क्रॉसिंग लाइन सहित कुल 669 किलोमीटर ग्रिड लाइन की आवश्यकता है। इसके लिए दोनों नदियों के पार ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम मुख्य रूप से किया जा रहा है, लेकिन इस पर काम ठीक से नहीं चल पाया है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर डेलवर हुसैन के अनुसार पद्मा नदी क्रॉसिंग लाइन का केवल 38% काम पूरा हुआ है, जबकि जमुना नदी क्रॉसिंग लाइन पर प्रगति 25% से भी कम है। यहां पर भारतीय कंपनी ट्रांस रेल लाइटिंग को $524 मिलियन में नदी क्रॉसिंग लाइन के निर्माण का ठेका मिला है। बताते चलें, रूपपुर प्रोजेक्ट और PGCB अधिकारियों के अनुसार तीन नदी क्रॉसिंग लाइनों में से ट्रांसरेल ने अक्टूबर तक पद्मा में 400 केवी नदी क्रॉसिंग लाइन के 2 किलोमीटर को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि रूपपुर बिजली प्लांट की यूनिट 1 से बिजली का संचार किया जा सके। हुसैन ने कहा कि पद्मा में पानी के भारी प्रवाह के कारण जुलाई के मध्य से निर्माण कार्य रोकना पड़ा और इसके बाद तो सबको पता है कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और अधिकांश हेल्पर और एक्सपर्ट्स, जो सभी विदेशी नागरिक हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर डरने लगे और देश छोड़कर चले गए। PGCB के अनुसार लगभग 100 भारतीयों और 30 इंडोनेशियाई लोगों सहित लगभग 150 विदेशी श्रमिक नदी पार करने वाली लाइनों में काम कर रहे थे और अब उनमें से अधिकांश अभी भी वापस नहीं आए हैं, इसलिए काम फिर से शुरू होने का कोई संकेत नहीं है। फिलहाल रूस वाला न्यूक्लियर प्लांट बांग्लादेश के लिए महज सपना बनकर रह गया है, क्योंकि हसीना के जाते ही भारतीय कंपनी ने काम समेट लिया है और अब कुछ समय बाद भारत और बांग्लादेश एक दूसरे को अपनी अपनी जमीन वापस लौटाने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश को जमीन वापस देनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।